वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 7 में आपका स्वागत है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्या करना है इसके अंदर। फिलहाल मैंने टैली करने के लिए आंसर भी लिखा हुआ है इसके अंदर, 13 आंसर आना चाहिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एन एंथ टर्म ऑफ टू एपीज आर सेम। अब आपको यहाँ पे आपके पास दो एपीज दी हुई है, ठीक है। दोनों का फर्स्ट टर्म डिफरेंस है, दोनों का कॉमन डिफरेंस डिफरेंस है, और दोनों एपीज आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, राइट। अब ऐसा बोला गया है कि इन दोनों एपी के अंदर कौन से नंबर का कौन सा टर्म इक्वल होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, दोनों एपी डिफरेंट हैं, दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अलग है, डिफरेंस है। तो हो सकता है कि इसका कोई टर्म और इसका कोई टर्म डिफरेंट हो सकता है, या इस पे भी इसमें इस वाले एपी के अंदर भी शायद कोई नंबर आएगा और इस वाले एपी में भी कोई नंबर आएगा, जो नंबर है वो सेम होगा, बट वो कौन से नंबर पे आएगा और वो कौन सा नंबर होगा वो आपको पता करना है। इसका एंथ और एंथ टर्म की वैल्यू कब सेम होगी और कौन से नंबर पे सेम होगी वो आपको पता करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों के अंदर एज्यूम करके चलेंगे कि ये दोनों हैं वो ए एन टर्म के ऊपर इक्वल हो जाएंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब एन की वैल्यू क्या है वो मुझे भी मालूम नहीं है, जो हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि दोनों की an की वैल्यू है वो सेम आ रही है, मगर वो an मतलब कौन से n पे सेम आएगी वो हमें भी मालूम नहीं है। फिलहाल हम ऐसा assumption लेके चलते हैं कि an टर्म पे दोनों की वैल्यू उस n के वैल्यू के ऊपर सेम हो जाएगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो चलिए मैं इसका पहले an निकाल लेता हूं। an इज इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 63 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी मैं ए एन निकालता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब ए एन मुझे मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है, 63 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो, टू का कॉमन डिफरेंस है 63, 64, 65, मतलब टू का कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे। और ए एन इज इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म 3 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आप डी देख सकते हो, देखो कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 7 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो 7 ले लिया। अब ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 63 माइनस 2 प्लस 2n, एंड यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 3 माइनस 7 प्लस 7n। नाउ ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n, राइट। अब फिलहाल मैंने बताया था कि दोनों की जो an की वैल्यू है वो सेम आने वाली है, ठीक है। तो मैं दोनों को सेम दिखा देता हूँ, प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n, राइट। अब मैं नंबर को इस साइड लेके जा रहा हूँ और वेरिएबल को इस साइड, सिंपल इक्वेशन का कंसेप्ट है, माइनस था प्लस में हो गया, यहाँ पे 7n प्लस माइनस 2n हो जाएगा, ये हो गया करीबन 65 और ये हो गया 5n। इसको नीचे लेके जाओगे तो ये 65/5 इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू 13, 13/5 = 65। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कुछ नहीं है ऐसे इस चैप्टर के अंदर, आपको जो दिखता है उसका फॉर्मूला लगाना है। काफी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आप इसमें इस चैप्टर में से काफी अच्छे मार्क्स आप कवर कर सकते हो। तो आप इस पूरी सीरीज को, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, आप इस वीडियो सीरीज के 1 से लेकर 25 पार्ट सारे एक दो बार देखें, फिर आप चैप्टर की प्रैक्टिस करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आपने पहले 10 पार्ट देख लिए या पहले 2 वीडियो देख लिए, चैप्टर करना शुरू कर दिया, फिर आप नहीं आएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे और स्ट्रेस में आ जाओगे। इससे अच्छा है आप पहले 25 के 25 वीडियोज देख लीजिए, आप सारे के सारे एक दो बार देखना पड़ेगा, फिर आप पेन उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए, देखना आपका कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पे होगा, ठीक है। ये मेरी बात आप याद रखना, क्योंकि एक दो वीडियो देखने के बाद आप लोगोगे कि चलो मुझे आ गया है, मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, ये गलत है। आप कहीं भी फंस जाओगे, दिमाग में कुछ सॉल्यूशन बैठेगा नहीं, आपका सॉल्यूशन आएगा नहीं, और वहां पे रुक जाओगे और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपने सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडियाज क्लिक कर जाएगी और आप सॉल्व कर दोगे। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप पूरे सारे के सारे वीडियोस देखें, जितने भी वीडियो हैं वो सारे देखें, फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू करें।
तो मिलते हैं पार्ट 8 के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।